हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर सीरीज 5 फॉर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप जिसने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले। आज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। एंड देर आर सो मैनी क्यूरीज रिलेटेड विद यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम के बाद मैं ईपीएफओ की आपको टेस्ट सीरीज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच फॉर 67th बीपीएससी प्री एंड मेन्स, और सीडीपीओ के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। इन फर्स्ट कॉलम योजना इज गिवन एंड इन सेकेंड ईयर इज गिवन। ऑप्शन ए इज जवाहर रोजगार योजना 1989, बी ट्राइसेम 1979, सी द्वारका 1982 एंड डी प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो इसमें डी जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो अगस्त 2014 में आई थी। इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये है, और ये इंश्योर करता है एसेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मेनली बैंकिंग और सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, एंड इवन फॉर रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन ए अफोर्डेबल मैनर। क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड द ऑथर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। सो ऑप्शंस आर ए बिग पुश थ्योरी, हिक्स, बी द वैल्यू एंड कैपिटल, रोसेनस्टेन रोडान, सी मनी इल्यूजन एडम स्मिथ, डी वेल्थ ऑफ नेशन इरविन फिशर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मैच करिए जल्दी से कोट। आंसर इज बी। सो बिग पुश थ्योरी जो है वो रोसेनस्टेन रोडान की है, एंड द वैल्यू एंड कैपिटल इज बाय हिक्स, एंड मनी इल्यूजन जो है वो इरविन फिशर की है, एंड द वेल्थ ऑफ नेशन इज बाय एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन इन द बजट 2021-22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको टैक्स प्रपोजल, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड जो सीनियर सिटीजन के लिए आया बजट में 2021-22 में, तो इसको करेक्ट बताना है आपको। ए सीनियर सिटीजन एज 70 एंड अबव आर एग्जेम्प्ट पेइंग इनकम टैक्स, बी सीनियर सिटीजन एज 80 एंड अबव आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फेलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, सी सीनियर सिटीजन एज 60 एंड अबव हुज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज पेंशन एंड इंटरेस्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, डी सीनियर सिटीजन एज 75 एंड अबव हुज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज पेंशन एंड इंटरेस्ट एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो इसमें डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। इस केस में अदर स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट इसलिए हैं, बिकॉज यहाँ पे इनकम टैक्स फाइलिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए अबव द एज ऑफ 75 ईयर्स। एज जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस किया था कि जो सीनियर सिटीजन है अबव द एज ऑफ 75 ईयर्स हु हैव ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड। तो उन्हीं को एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। सो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करती हूँ, तो ये डाटा मैं आप लोगों की हेल्प के लिए प्रोवाइड करती हूँ, बिकॉज पीटी में जो है वो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपके प्रैक्टिस के लिए मैं देती हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छूटे ना, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। और इवन जो ये टेस्ट सीरीज है वो हमारे एक्सपर्ट्स जो प्रिपेयर करते हैं वो ऑलरेडी पीटी मेंस इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के। तो आपका यहाँ पे पीटी मेंस और इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप वरी मत करिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और साथ साथ आपकी पीटी के और मेंस के फैक्ट्स भी मैं यहाँ याद करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज आर नॉट करेक्ट इंक्लूडेड इन बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। तो बीएनआई इंडेक्स में क्या
इंक्लूडेड नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए वाटर, बी सैनिटेशन, सी एम्प्लॉयमेंट, डी हाउसिंग, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। सो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। तो मैं थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में बता देती हूँ, आ सकता है पेपर में। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में इंट्रोड्यूस किया था न्यू मेट्रिक टू गॉज द प्रोग्रेस ऑन क्वालिटी ऑफ बेयर नेसेसिटीज के लिए विच आर अवेलेबल लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी। तो इन सबसे रिलेटेड जो बेयर नेसेसिटीज की क्वालिटी की जो प्रोग्रेस है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इसमें से कौन सा एलिजिबल नहीं है लोन के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम में। ऑप्शंस आर ए मैन्युफैक्चरिंग, बी एग्रीकल्चर, सी सर्विसेज, डी ट्रेडिंग एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी एग्रीकल्चर। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मैं बता देती हूँ, इट फैसिलिटेट्स द बैंक लोन बिटवीन 10 लाख रुपीज एंड 1 करोड़ रुपीज। तो ये आपको याद रखना है फैक्ट। और एटलीस्ट इसमें 1 SC होना चाहिए और 1 ST होना चाहिए बोरोवर जो है, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर भी होना चाहिए पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए। एंड दिस एंटरप्राइज में भी वो किस सेक्टर से हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, सर्विसेज और इवन ट्रेडिंग सेक्टर से इंक्लूडेड भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स। तो नाबार्ड से कौन सा रिलेटेड नहीं है फंड। ए नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, बी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, सी ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, डी नेशनल क्लीन एनर्जी फंड एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, दैट इज नेशनल क्लीन एनर्जी फंड इज नॉट रिलेटेड विद नाबार्ड। सो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो फोकस करता है प्राइमली रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री के ऊपर, एंड इट इज एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है याद रखना, ये आ सकता है पेपर में, मुंबई में है। और ये कंट्री का एक फाइनेंशियल कैपिटल है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, इवन कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए और अदर कोई भी विलेज या रूरल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1981। तो आपको ईयर याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है और उसका वर्क याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर डिस इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से कौन सी समिति सार्वजनिक क्षेत्र के विनिनिवेश से संबंधित है। ऑप्शंस आर ए रंगाराजन कमेटी, बी राजमनर कमेटी, सी राजा चिलिया कमेटी एंड डी राघवन कमेटी एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए रंगाराजन कमेटी। सो रंगाराजन कमेटी अप्रैल 1993 में आई थी, इसने रिकमेंड किया था डिस इन्वेस्टिंग अप टू 49% ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इक्विटी फॉर इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर एट इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विच रैंक कंट्रीज बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन इज प्रिपेयर्ड बाय। सो इसमें आपको बता रहे हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो ये इंडेक्स है ये कौन प्रिपेयर करता है। सो ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, बी WTO, सी UNCTAD, डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी ग्रुप्स इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955। सो ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बताना कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बी ड्रग्स, सी जूट टेक्सटाइल, डी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ई नन ऑफ द अबव। So all are included under Essential Commodity Act 1955. Question number 10th is which one of the following pairs is are not correctly matched. तो इसमें से not correctly matched कौन सा है।
ए किसान रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बी कृषि उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सी पीएम कुसुम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डी पीएम जन आरोग्य योजना द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 11th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म थालीनोमिक्स. तो थालीनोमिक्स से रिलेटेड कौन सी टर्म करेक्ट नहीं है. ए इट इज एन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई व्हाट अ कॉमन पर्सन पेज फॉर अ प्लेट ऑफ फूड अक्रॉस इंडिया. बी द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 स्टेट्स दैट अफोर्डेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन थालीज इम्प्रूव्ड 18% फ्रॉम 2006-07 टू 2019-20 by that for non-vegetarian thali by 29%. Economic Survey 2020 coined a new term called thalinomics and the government pitched the term as economics for the common man. And D option is thali prices represent the total money spent on preparing dishes for a meal in a household. And E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So इसमें B incorrect है. बिकॉज यहाँ पर वेजिटेरियन के लिए 29% आएगा और नॉन वेजिटेरियन के लिए जो है वो 18% आएगा. तो ये फैक्ट में चेंज कर दिया ताकि आपको याद रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12th इज द टर्म डेट ओवरहैंग वॉज यूज इन इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म. सो कौन सी टर्म इसमें से डेट ओवरहैंग से रिलेटेड है. A option is it is a situation where all current income of borrower get used up in repaying the accumulated debt. B it is the availability of fresh loans from public sector bank with government guarantee. C it is a situation where a nation has both a current account deficit and a budget deficit. D it is a condition where a large number of loans are defaulted in a short period. E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A जो है वो correct है. Debt overhang क्या होता है, इसमें debt burden जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी entity जो है वो additional debt नहीं means afford कर पाती है to finance the future products और projects. क्वेश्चन नंबर 13 इज द टर्म बैंक रन ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर टू. तो बैंक रन क्या है. A. A large number of people start making withdrawals from the bank out of panic. B. A situation when a corporation or government failed to pay a bond which has reached maturity. C. A condition of insolvency of bank due to increasing liability. D. A condition where home buyers fail to make a mortgage payment. And E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So bank run क्या होता है. A large number of people start making withdrawals from the bank out of panic. Question number 14. Which of the following statement is are not correct regarding National Technical Textile Mission. So not correct बताना है आपको. A. The mission aim to position India as a global leader in technical textile. B. It can help in increasing the productivity in agriculture, horticulture and aquaculture field. C. The first component will focus on research and development and innovation and will have an outlay of 1000 crore. D. The Ministry of Commerce and Industries has launched the National Technical Textile Mission. And E. None of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी. सो इसमें डी इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें मिनिस्ट्री कौन सी आएगी. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आएगी. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आप एज इट इज इसको यहाँ से लर्न कर लो मिशन को. क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कोब वेब फिनोमिना. तो कोब वेब फिनोमिना क्या होता है. ए दिस रेफर टू अ फिनोमिना वेयर द प्राइजेस ऑफ सर्टेन गुड्स विटनेस fluctuations that are cyclical in nature. B. A situation where poor farmers are debt trapped in the clutches of money lender. C. A phenomena relating to reduction in the production during the time of credit crunch.
एंड डी इट इज अनदर टर्म यूज फॉर साइक्लिक स्लो डाउन एंड द बूम इन द इकोनॉमी एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ये टर्म इंपॉर्टेंट है. आंसर इज ए. सो कोवे फिनोमेना के लिए ए करेक्ट है. ये एक फिनोमेना होता है जहां पर प्राइजेस जो होते हैं कुछ गुड्स के वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं साइक्लिकल नेचर में. क्वेश्चन नंबर 16 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. सो एनआईपी के लिए नॉट करेक्ट कौन सा है. ए इन द बजट स्पीच 2019-20 फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड आउटले ऑफ 1,000 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर. बी द टास्क फोर्स हेडेड बाय अतानु चक्रवर्ती ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. सी इट कवर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. डी सेंटर 39% स्टेट 40% आर एक्सपेक्टेड टू हैव एन ऑलमोस्ट इक्वल शेयर इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट वाइल प्राइवेट सेक्टर कितना है हैज 21 शेयर. ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो ए इनकरेक्ट है. यहाँ पर 1,000 लाख करोड़ की जगह आएगा 100 लाख करोड़ आउटले. अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आप यहाँ से सारे फैक्ट्स याद कर लो. आपको ये फैक्ट्स पीटी में भी आएंगे और मेंस में आपको लिखने ही पड़ेंगे बिकॉज अगर आप फैक्ट्स नहीं लिखोगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर में तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे. तो इससे अच्छा है कि पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर लो आप. क्वेश्चन नंबर 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग भारत बॉन्ड ईटीएफ. तो भारत बॉन्ड ईटीएफ के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है. ए इट इज अ बास्केट ऑफ बॉन्ड इशू बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडरटेकिंग और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड. बी इट विल हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी ऑफ 3 and 10 years एंड विल ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. सी इट विल इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो बॉन्ड ऑफ स्टेट रन कंपनी एंड अदर गवर्नमेंट एंटिटीज. डी इंडेक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी सॉरी इंडेक्स प्रोवाइडर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ईटीएफ बॉन्ड भारत बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का बॉन्ड है ये. आंसर इज ई. सो नन ऑफ द अबव मीन्स सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ के लिए. इसको आप जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले. क्वेश्चन नंबर 18 इज विच 5-year plan फोकस्ड अपॉन द टारगेट ऑफ रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. तो किस पंचवर्षीय योजना ने तेजी से और अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है. ऑप्शंस आर ए 8th 5-year plan बी 9th 5-year plan सी 11th 5-year plan डी 12th 5-year plan एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो 11th 5-year plan जो है इसका ड्यूरेशन याद कर लो पहले. तो 2007 से 2012 तक है. ये किसकी लीडरशिप में आया था. मिस्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में आया था. और ये प्लान को प्रिपेयर किसने किया था. सी रंगा राजन ने. एंड मेन थीम थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. और इसमें ग्रोथ रेट जो है वो 8% अचीव किया था और टारगेट जो है वो 9% था इसका. क्वेश्चन नंबर 9th इज द 2nd 5-year plan ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ए हैरोजोमार मॉडल बी पीसी मालिनोबिस मॉडल सी सर्वोदय प्लान डी पीपल प्लान ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो पीसी मालिनोबिस मॉडल. क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हेन वाज द 8th 5-year plan ऑफ इंडिया स्टार्टेड. तो 8th 5-year plan का ड्यूरेशन बताना है. ए 1980-1985 बी 85-90 सी 92-97 डी 97-2002 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो 8th 5-year plan जो है वो 1992 से 1997 में आया था. किसकी लीडरशिप में. पीवी नरसिंह राव की लीडरशिप में आया था. क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट इज द प्राइम टारगेट ऑफ 1st 5-year plan ऑफ इंडिया. सो प्राइम टारगेट बताना है आपको 1st 5-year plan का. ए डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डी डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो प्राइम टारगेट क्या था. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. क्वेश्चन नंबर 22 इज जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच 5-year plan. ए 5th 5-year plan
बी 6th 5-year प्लान, सी 8th 5-year प्लान, डी 7th 5-year प्लान एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो ये कब आया था? 7th 5-year प्लान में लॉन्च हुआ था ये योजना. क्वेश्चन नंबर 23 इज यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2020 एज अ इंटरनेशनल ईयर. सो ऑप्शंस आर ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, बी सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, डी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो 2020 को यूएन ने डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ. क्वेश्चन नंबर 24 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अवेबिलिटी ऑफ कुकिंग गैस टू द बीपीएल हाउस होल्ड. तो भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है वो बीपीएल दैट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन परिवारों के रसोई गैस की उपलब्धता से संबंधित है. ए उज्ज्वला योजना, बी फसल बीमा योजना, सी अटल पेंशन योजना, डी जीवन ज्योति बीमा योजना एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए उज्ज्वला योजना. क्वेश्चन नंबर 25th इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड विद ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इसमें एक जनरल लेजर अकाउंट होता है ये, विच इज पर्टेनिंग टू ऑल इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस एंड गेन. और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 26 इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड फॉर. तो IFRS की फुल फॉर्म बतानी है. ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बी इज इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सी इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, डी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. ये सेट करते हैं कॉमन रूल्स सो दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो कंसिस्टेंट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और कंपेरेबल रहे अराउंड द वर्ल्ड. और इसको इशू कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB इसको इशू करता है. क्वेश्चन नंबर 27 इज कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर इज. सो आपको बताना है जो कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन है वो मुद्रास्फीति से अलग है क्योंकि जो पहला है ए इग्नोर आर्टिकल ऑफ वॉलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, बी कंसीडर द आर्टिकल ऑफ वॉलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, सी इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉमोडिटी प्राइस इंडेक्स एंड डी इट कंसीडर्स ओनली कोर आइटम ऑफ कंजम्पशन इन द प्राइस इंडेक्स एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो इट बिकॉज जो कोर इन्फ्लेशन है इट इग्नोर द आर्टिकल ऑफ वॉलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 28 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो इसमें से एक अधिकार प्रतियोगिता की विशेषता कौन सी नहीं है? ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, सी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, डी मोर इलास्टिक डिमांड, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो नन ऑफ द अबव. सो ऑल आर इंक्लूडेड एज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्वेश्चन नंबर 29 इज द टर्म डियर मनी रेफर्स टू. तो डियर मनी जो है वो क्या है? ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स, बी वैल्यू ऑफ मनी एट द रिसेशन स्टेज, सी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डी सेविंग गेन ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर. सो आंसर इज सी. सो डियर मनी क्या होता है? ये मनी होती है विच इज हार्ड टू ऑब्टेन लाइक इन केस ऑफ बोरिंग बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट. क्वेश्चन नंबर 30 इज द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वॉज DSC थीसिस. सो ऑप्शंस आर ए श्री अरबिंदो, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ई नन ऑफ द अबव. रुपए की समस्या किसकी DSS थीसिस है?
ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इन्होंने फाइनली सबमिट की थी अपनी डॉक्टरल थीसिस जो है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन मार्च 1923. इट वॉज नॉट रिकमेंडेड फॉर द एक्सेप्टेंस, पर इस रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि जो थीसिस है इट वॉज टू रिवोल्यूशनरी एंड एंटी ब्रिटिश फॉर द एग्जामिनर. सो फ्रेंड्स, आप कुछ कमेंट मिले थे मुझे कि आउट ऑफ सिलेबस है मैम क्वेश्चन. तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, यहाँ पे आपको सिलेबस मेंशन किया जाता है, बट इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर. तो आपको सिलेबस में से तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, बट इनडायरेक्टली जो सिलेबस से लिंक करते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर के, या अदर क्वेश्चन जो भी इनडायरेक्टली वे में सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगी. तो हर एक सीरीज में ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे. अगर आपको नहीं आता है तो आप वरी मत करिए, यहाँ से क्वेश्चन को रीड करिए और लर्न कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जाके रिग्रेट ना करना पड़े. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31. द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII, इट इज फॉर्म्ड एज अ न्यू फोरम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी हेडेड बाय. तो आपको बताना है कौन किसने हेडेड किया है इसको. ए संदीप पटेल, बी कुलदीप सिंह, सी संजीव कुमार, डी सौरभ गर्ग एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is A. So it is headed by Sandeep Patel. Question number 32 is, which Indian state secured top rank on the Export Preparedness Index 2020 of the Niti Aayog? So इसमें आपको बताना है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. This is important question. A गुजरात, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हरियाणा, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए गुजरात. क्वेश्चन नंबर 33 इज, हु इज द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो न्यू कैग का नाम बताना है. ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी GR चिंचाला, सी थीरथ सिंह रावत, डी डॉक्टर अजय माथुर, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए गिरीश चंद्र मुर्मू. क्वेश्चन नंबर 34 इज, द इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन. सो आपको डेट बताना है IBBI की. ए अप्रैल 1, 2014, बी अप्रैल 1, 2015, सी अप्रैल 1, 2016, डी अप्रैल 1, 2018 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी अप्रैल 1, 2016. क्वेश्चन नंबर 35 इज, पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू ए डेबिट कार्ड फैसिलिटी, बी इशू क्रेडिट कार्ड, सी मोबाइल बैंकिंग कैन बी एसेस थ्रू दीज पेमेंट बैंक, डी दे कैन मेक पेमेंट टू यूटिलिटी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड द जनरल पब्लिक, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. भुगतान बैंकों को कौन सी अनुमति नहीं है इसमें से. आंसर इज बी टू इशू क्रेडिट कार्ड. तो पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 36 इज, ट्रिपल ई टैक्सेशन स्टैंड फॉर. तो ट्रिपल ई टैक्सेशन की फुल फॉर्म बतानी है. ए एग्जेम्प्ट 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 टैक्सेशन, बी एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट टैक्सेशन, सी एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट टैक्सेशन, डी एक्सपोर्ट 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 टैक्सेशन एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is A. So A option correct hai. It is exempt, exempt, exempt taxation. Question number 37. The rate of interest at which bank gives loan to its most reliable customer is called. So ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है वह क्या कहलाती है. A prime lending rate, B repo rate, C reverse repo rate, D MSF rate, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A prime lending rate. Question number 38. Which one of the following RBI monetary policy June 2021 is not correctly matched? So isme se kaun sa correctly match nahi hai related with RBI monetary policy June 2021. A repo rate 4%, B CRR 4%, C reverse repo rate 3.35%, D bank rate 4.25%, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is E, none of the above.
सो एज पर करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई है 4 जून 2021 को, उसमें रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट दोनों सेम है 4.25%, और फर्दर जो CRR रेट और SLR रेट है वो कितना है, CRR जो है वो 4% है और SLR जो है वो 18% है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद कर लो, कोई भी पूछ सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मच टाइम हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू टेलीकॉम कंपनी टू पे AGR ड्यूज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूरसंचार कंपनियों को केंद्र सरकार को AGR बकाया का भुगतान करने के लिए कितना समय दिया गया है, ए 5 ईयर, बी 10 ईयर, सी 15 ईयर, डी 20 ईयर, ई नन ऑफ दी अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी 10 ईयर। सो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने September 1, 2020 को अलाउ किया था टेलीकॉम कंपनीज को कि वो क्लियर करें अपने AGR होते हैं एडजस्टिस ग्रोस रिवेन्यू को ड्यू इन 10 ईयर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री प्रोवाइड सब्सिडी टू इट्स कंपनीज और देयर सब्सिडरीज इफ दे रीलोकेट देयर प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू आसियान कंट्री इंडिया एंड बांग्लादेश। सो कौन सा देश अपनी कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करता है यदि वे अपने उत्पादन को चीन से आसियान देशों या भारत और बांग्लादेश में स्थानांतरित करते हैं। ऑप्शन आर ए जापान, बी UK, सी फ्रांस, डी इटली, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए जापान। क्वेश्चन नंबर 41 इज आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी ICICI बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर इज बी ICICI बैंक। तो ये कब किया था, September 9, 2020 को अनाउंस किया था, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम है आई स्टार्टअप 2.0। इसमें क्या किया जाएगा, टू टेक केयर ऑफ जो भी एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि रेगुलेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर एक्विजिशन, इवन डिजिटल आउटरीच जो है उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। तो EPFO के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसमें करेक्ट बताना है। ए करेंटली एन एम्प्लॉई पे 12% ऑफ द बेसिक पे एवरी मंथ टू द EPFO एज स्टैट्यूटरी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी एंड अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। बी ऑफ द एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूशन 8.33% ऑन अ सैलरी थ्रेशोल्ड ऑफ 15,000 गोज टू द पेंशन कॉर्पस। सी EPFO हैज रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट पे 8.5% इंटरेस्ट टू सब्सक्राइबर फॉर 2019-20। डी इज 8.15% इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा इमीडिएटली इनटू द अकाउंट ऑफ 50 मिलियन सब्सक्राइबर और बैलेंस कितना है 0.35% विल बी पेड इन दिसंबर, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ई। सो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। फैक्ट जो है मैं इतने सारे इसलिए भी देती हूँ बिकॉज क्वेश्चन में मैं आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, अब वो क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट्स में से घुमा फिर आगे कहीं से भी पूछेंगे तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो आप इसलिए इसको याद कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वॉज ऑफिशियली लॉन्च बाय PM मोदी ऑन विच डेट, ए August 1, 2020, बी September 1, 2020, सी September 10, 2020 एंड डी October 2, 2020 एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। सो ये कब लॉन्च हुई थी स्कीम, 10 September 2020 को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर पे इन अ कंट्री और इसमें एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है 20,050 करोड़ और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना है 2020-21 से 2024-25, ये आपको याद रखना है और एज इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज ई गोपाला ऐप। ऑप्शन आर ए इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इन्फॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर, बी इट इज एन ऐप लॉन्च बाय अमूल फॉर ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिल्क फ्रॉम द फार्मर, सी इट इज एन ऐप ऑफ नेफेड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, डी इट इज एन ऐप लॉन्च बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज
आंसर इज ए. सो ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है और इन्फॉर्मेशन पोर्टल है फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स. सो क्वेश्चन नंबर 45 इज द टर्म लोअर प्लाजो इफेक्ट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू विच सिचुएशन. ए मल्टीपल फैक्टर कम टुगेदर एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग टेल फॉर अ स्टॉक टू गो अप इन द शेयर मार्केट. बी मल्टीपल फैक्टर कम टुगेदर एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया इन द सी. सी मल्टीपल फैक्टर कम टुगेदर एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. डी एक्सपोर्ट राइज शार्पली व्हाइल इम्पोर्ट डिक्रीज रैपिडली. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो ये एक इफेक्ट है जिसमें स्मॉल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको कंबाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस एन आउटसाइज्ड आउटकम. सो इट इज रिलेटेड विद द स्टॉक ऑफ शेयर मार्केट. क्वेश्चन नंबर 46 इज विच स्टेट टॉप द स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2020. ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी गुजरात. सो स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2020 जो है डेवलप की गई है एंड इट इज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो DPIIT इसको रिलीज करता है और गुजरात टॉप रैंक पे, उसके बाद कर्नाटका है और फिर केरला है थर्ड नंबर पे. क्वेश्चन नंबर 47 द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 हैज सर्टेन ब्रॉड रिफॉर्म एरिया कंसिस्टिंग ऑफ. ऑप्शंस आर ए रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, बी इंक्यूबेशन सपोर्ट, सी वेंचर फंडिंग सपोर्ट, डी सीड फंडिंग सपोर्ट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो इसमें सारे करेक्ट हैं स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड, ये आप यहाँ से याद कर लो. क्वेश्चन नंबर 48 इज फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस वॉज कंडक्टेड इन द ईयर ए 2017-18, बी 2019-20, सी 2018-19 एंड डी 2020-21. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 2019-20. क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज गॉट टॉप पोजीशन अमंग द इंडियन सिटीज इन द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020. ऑप्शंस आर ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी हैदराबाद. क्वेश्चन नंबर 50 इज व्हाइट आइलैंड रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील, डी न्यूजीलैंड, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी दैट इज न्यूजीलैंड. सो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट 50 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देर आर सो मैनी क्यूरीज रिगार्डिंग करंट अफेयर. बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कितना करंट अफेयर करें, तो स्पेशली आप सबके एग्जाम के लिए और आपका एग्जाम क्रैक हो जाए इसलिए मैं आपको, कल प्रीमियर नहीं होगा, एक दिन बाद प्रीमियर होगा, तो आप बार बार कमेंट में मत पूछिए, मुझे 1000 क्वेश्चन देने में कंप्लीट कर दूंगी पूरा. तो उसमें मैं आपको पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स, इवन बिहार के जितने भी बजट से रिलेटेड और पॉलिसी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो सारा कंबाइन करके आपको क्वेश्चन फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूंगी, जिसका प्रीमियर जो है वो परसों होगा एट 9 PM. तो आप उसके लिए वहां से सारा करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इकोनॉमिक जो है एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड कर रही हूँ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51. एज पर नीति आयोग एस्टिमेशन शेयर ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द रूरल GDP इज अबाउट ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी दैट इज 60%. क्वेश्चन नंबर 52 इज एज पर नीति आयोग एस्टिमेशन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इन टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री इज अबाउट ए 44%, बी 56%, सी 66%, डी 75%, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो 44% है, ये फैक्ट याद रखना. क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताना है अबाउट द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020.
ए इंडिया कंबाइंड 8 पोजीशन इन अ ईयर टू रीच रैंक 72 इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020. बी इज द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन रिसर्च डन बाय द इनसीड इन पार्टनरशिप विद द एंडिको ग्रुप एंड द गूगल. सी द दिस इंडेक्स लुक एट द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द ग्रो एंड रिटेन द टैलेंट बाय द कंट्री. डी 2020 एडिशन एड्रेसेस द थीम ऑफ ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो नन ऑफ द अबव आंसर है. ऑल आर करेक्ट रिलेटेड विद दिस इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ नीति आयोग. सो नॉट करेक्ट बताना है. ए डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. बी फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. डी थिंक टैंक एंड नॉलेजेबल इनोवेशन हब. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर एज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. तो यहां से आप इसको याद कर लो. क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फिस्कल क्लिफ. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है फिस्कल क्लिफ के लिए. ए इकोनॉमिक टर्म वेयर बाय इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ मूव टैक्स पेयर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट. बी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपायरिंग टैक्स कट एंड अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स दैट क्रिएट अ लूमिंग इम्बैलेंस इन द फेडरल बजट मस्ट बी करेक्टेड टू अवॉइड अ क्राइसिस. सी इंटरनेशनल ट्रेड अमंग एन एग्रीड अपॉन ग्रुप ऑफ कंट्रीज विदाउट एनी बैरियर such as tariff, quota, forex control. D. Unofficial market of the newly issued share before their formal listing and trading. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So fiscal cliff kya hai? It is a combination hota hai of expiring tax cut and across the board government spending cuts. और इसमें क्या क्रिएट किया जाता है एक लूमिंग इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है इन द फेडरल बजट एंड ये करेक्ट इट मस्ट बी करेक्टेड टू अवर्स द क्राइसिस ऑफ इन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 56 इज इकोनॉमिक ग्रोथ यूजली कपल्ड विद ए डिफ्लेशन. बी इन्फ्लेशन. सी हाइपर इन्फ्लेशन. डी स्टैगफ्लेशन. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी इन्फ्लेशन. सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये कपल होता है विद इन्फ्लेशन. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जीडीपी जब बढ़ती है इंक्रीज होती है देर इज एन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज. सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है बिकॉज देर आर मोर प्रोडक्शन. मीन्स पीपल जो है दे हैव द मोर डिस्पोजेबल इनकम होती है उनके पास जिसका मतलब क्या है कि मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी और जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे और इसके बाद जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी फास्टर होगी देन द एग्रीगेट सप्लाई और इवन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट विल बी कपल्ड विद द इन्फ्लेशन. सो हाइपर इन्फ्लेशन भी बता देती हूँ. हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब एक कंट्री एक्सपीरियंस करती है बहुत ज्यादा हाई और एक्चुअली रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो यूजली कपल्ड होती है विद द इन्फ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 57 इज द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रिजिम ऑफ ए राजीव गांधी. बी पी वी नरसिम्ह राव. सी अटल बिहारी वाजपेयी. डी एच टी देवगौड़ा. एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. उदारीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत किसके शासन में हुई थी. आंसर इज बी पी वी नरसिम्ह राव. सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में 1991 में आया था बाय प्राइम मिनिस्टर पी वी नरसिम्ह राव और इनके दान मिनिस्टर जो थे फाइनेंस मिनिस्टर वो कौन थे. डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. क्वेश्चन नंबर 58 इज फिस्कल ड्रैग एक्सप्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो फिस्कल ड्रैग निम्नलिखित में से किस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को व्यक्त करता है. ए फिस्कल डेफिसिट. बी टैक्स रिवेन्यू एंड जीडीपी. सी ब्लैक मनी. डी इन्वेस्टमेंट. एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी टैक्स रिवेन्यू एंड जीडीपी. सो फिस्कल ड्रैग क्या होता है. इट एक इकोनॉमिक स्टम है जिसमें सिचुएशन होती है जहां पर गवर्नमेंट जो है उनका नेट फिस्कल पोजीशन जो होता है विच इज इक्वल टू इट्स स्पेंडिंग विच इज लेस देन एनी टैक्सेशन. तो इसमें कोई भी सेविंग गोल अचीव नहीं किया जाता है प्राइवेट इकोनॉमी में. सो ये कॉन्सेप्ट है जहां पर इन्फ्लेशन और अर्निंग ग्रोथ जो है दे मे पुश द मोर टैक्स पेयर्स इन टू द हायर टैक्स ब्रैकेट. क्वेश्चन नंबर 59 द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट वॉज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच ईयर. सो मैट कौन सी ईयर में आता. ए 1991 टू 92. बी 92 टू 93.
सी 95 to 96, डी 96 to 97, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी 1996 to 1997 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था. और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या था? इट इज लेविड ऑन द फर्म और कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे ये लेवी किया जाता था. एंड इवन इट मेकिंग द अबंडेंट प्रॉफिट्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. क्वेश्चन नंबर 60 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. तो इसमें से करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है. ए फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड लेस बोरिंग. बी बजट डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड. सी इज रिवेन्यू डेफिसिट, दैट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीव्ड. डी प्राइमरी डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड लेस बोरिंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई नन ऑफ द अबव. सो इसमें सारे करेक्ट हैं. आप यहां से सारे क्लियर कर लो बिकॉज इसमें से एक तो एग्जाम में जरूर आएगा. क्वेश्चन नंबर 61 इज सेकेंड डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ए एच एम पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी सी डी देशमुख, डी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए, दैट इज एच एम पटेल. क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. ए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कम्स अप इन अ सिचुएशन वेयर इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट गुड्स आर हायर देन ऑन द फिनिश गुड्स. बी जीएसटी रेट पेड ऑन परचेजेस इज मोर देन द जीएसटी रेट पेबल ऑन सेल. सी इज अ पेमेंट यूजली जनरस मेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई फॉर क्विटिंग द जॉब प्रायर टू देयर सर्विस. डी अ लार्ज सम पेड बाय अ कंपनी टू अट्रैक्ट अ न्यू स्टाफ ऑफ इट्स फोल्ड. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. सो इसमें स्टेटमेंट ए और बी जो है वो करेक्ट हैं. एज इट इज आप इसको यहां से लर्न कर लो. ए और बी सही हैं. क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टैक्स हेवन. तो टैक्स हेवन से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है? ए टैक्स हेवन इज अ कंट्री और अ प्लेस विद वेरी हाई इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर. बी अ टैक्स हेवन आल्सो ऑफर फाइनेंशियल सिक्रेसी. सी अ टैक्स हेवन और ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर इज एनी कंट्री और ज्यूरिसडिक्शन ऑफर मिनिमल टैक्स लाइबिलिटी टू फॉरेन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस. डी टैक्स हेवन डू नॉट रिक्वायर बिजनेस टू ऑपरेट आउट ऑफ देयर कंट्री और इंडिविजुअल टू रिजाइड इन देयर कंट्री टू रिसीव टैक्स बेनिफिट. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो इसमें ए इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर हाई इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन की जगह लो इफेक्टिव रेट आएगा. एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टैक्स सेवन. तो आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 64 इज द जीएसटी काउंसिल हैज फिक्स्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स टू बी. तो जीएसटी परिषद ने कर में छूट की सीमा कितनी निर्धारित की है? ए 20 लाख, बी 15 लाख, सी 25 लाख, डी 12 लाख एंड ई None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So 20 lakh इसमें जो है वो limit इसमें है. Because person जो भी provide करते हैं services they need to register. If they have the aggregate turnover exceed करता है अगर कितना 20 lakh से normal category के लिए और 10 lakh है special category states के लिए. क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म इज आर नॉट करेक्ट. सो निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी के सुधार से सही नहीं है? ए प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर, बी एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, सी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, डी फैक्टर मार्केट रिफॉर्म एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो इसमें फैक्टर मार्केट रिफॉर्म जो है दीज आर रिलेटेड विद द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 66 इज द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ. ए रूरल एंड अर्बन सेक्टर, बी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सी हैवी एंड स्मॉल इंडस्ट्री, डी डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड सेक्टर एंड ई नन ऑफ द अबव. सो मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बताइए. इजी है ये.
आंसर इज बी, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें दोनों बहुत प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होती हैं और पब्लिक एंटरप्राइजेस भी मिलके काम करती हैं. क्वेश्चन नंबर 67 इज हु कॉइन द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी. ए के सेन, बी किरित एस पारेख, सी राजकृष्णा, डी मोंटेक्सी गनवालिया एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो जो इकोनॉमिस्ट राजकृष्णा है उन्होंने टर्म दिया था हिंदू ग्रोथ रेट एंड इट ही सजेस्टेड दैट द लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया दैट इज लाइक कंट्री विद मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन वॉज इन अ शार्प कंट्रास्ट टू द हाई ग्रोथ रेट इन अदर एशियन कंट्री. एस्पेशली किसके कंपेरिजन में उन्होंने बोला था, ईस्ट एशियन टाइगर्स के लिए विच वॉज ऑल्सो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री दैट टाइम. सो इसलिए रेट दिया गया था उस टाइम पे. क्वेश्चन नंबर 68 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. सो पीएम ईजीपी के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है. ए पीएम ईजीपी इज अ मेजर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लॉन्च बाय मर्जिंग टू स्कीम नेमली प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. बी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय एस्टैब्लिशिंग द माइक्रो एंटरप्राइजेस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन नॉन फार्म सेक्टर. सी दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 2012. डी मिनिस्ट्री ऑफ MSME एडमिनिस्टर द प्रोग्राम एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो इसमें सी जो है वो नॉट करेक्ट है बिकॉज ये स्कीम जो है वो 2008 में आई थी. एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो एज इट इज आप उसको यहाँ से लर्न कर लो. क्वेश्चन नंबर 69 इज स्किल इंडिया मिशन इज अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च इन विच ईयर. ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2018 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 2015. सो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई 2015 को अप्रूव किया था. ऑफिशियली ये लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 जुलाई 2015 को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे. क्वेश्चन नंबर 70 इज डेट टू जीडीपी रेशियो इज रिलेटेड विद ए रेशियो बिटवीन अ कंट्रीज गवर्नमेंट डेट मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ करेंसी एंड इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ करेंसी पर ईयर. बी द रेशियो ऑफ टैक्स रिवेन्यू ऑफ अ कंट्री कंपेयर टू द कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सी इट इक्वल्स टू द जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन अ कंट्रीज कैपिटल गुड. डी रेट ऑफ करेंसी कन्वर्जन दैट ट्राई टू इक्वलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसी एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिकॉज इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो आंसर इज ए. सो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है रेशियो बिटवीन कंट्रीज गवर्नमेंट डेट एंड इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन 1991 रिफॉर्म्स. ए टैरिफ वर रिड्यूस्ड रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू अट्रैक्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर. B's foreign trade policy was for the long-term liberal and open policy for was enforced. C the Indian currency was made partially convertible. D the equity limit of foreign investment was decreased. E none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So isme D jo hai wo incorrect hai. एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो डी जो इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे इक्विटी लिमिट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज हुई थी. क्वेश्चन नंबर 72 इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो नाम बताना है फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे. ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी यशवंत सिन्हा, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह एंड डी प्रणब मुखर्जी. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी विश्वनाथ प्रताप सिंह. क्वेश्चन नंबर 73 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कांग्रेस प्लान. ए इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ INC प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस. बी द नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप इन अक्टूबर 1939. सी चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू वर्क आउट द कंक्रीट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड कंपासिंग ऑल मेजर एरिया ऑफ इकोनॉमी.
डी 15 मेंबर एनपीसी विद 29 सब कमेटी एंड टोटल ऑफ 350 मेंबर प्रोड्यूस 29 वॉल्यूम्स ऑफ द रिकमेंडेशन ई इज नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज बी तो इसमें बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अदर्स आर करेक्ट बिकॉज यहाँ पर 1939 की जगह कौन सा ईयर आएगा 1938 एज नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी 1938 में क्वेश्चन नंबर 74 इज श्रीमन नारायण अग्रवाल फॉर्मुलेटेड द गांधीयन प्लान इन विच ईयर ए 1940 बी 1941 सी 1942 डी 1944 ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज डी 1944 क्वेश्चन नंबर 75 इज सर्वोदय प्लान वॉज मेनली इंस्पायर्ड बाय विच प्लान ए पीपल प्लान बी बॉम्बे प्लान सी गांधीयन प्लान डी फिक्की प्लान ई नन ऑफ द अबव सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ट्राई करिए इसको आंसर इज सी सो सर्वोदय प्लान किससे इंस्पायर हुआ था गांधीयन प्लान से क्वेश्चन नंबर 76 इज विच कंट्री वन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड इन द मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिया 2020 सो ऑप्शंस आर ए बांग्लादेश बी इंडिया सी चाइना डी जापान ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज बी इंडिया सो इसमें जो नीलकंठ भानु प्रकाश है उन्होंने जीता था ये फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन लंडन क्वेश्चन नंबर 77 इज विच नेशंस कांग्रेसियल कमेटी हैज पास्ड अ बिल टू प्रमोट लिगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड जूनियर मार्टिन लूथर किंग ए यूएस बी फ्रांस सी यूके डी साउथ अफ्रीका ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज यूएस क्वेश्चन नंबर 78 इज सुपर ऐप हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज व्हाट डज इट रिप्रेजेंट A. An umbrella app offering the various digital services and products. B. Cryptocurrency exchange. C. Cyber security tool. D. Ransomware. And E. None of the above. So try to attempt this question. So answer is A. It is an umbrella app offering the various digital services and products. And जो ये concept है super app का ये first emerged हुआ था China में और Southeast Asia में जहाँ पर internet companies जो हैं जैसे कि WeChat, Go जैक और ग्रैब जो इन्वॉल्व करती है देर ऐप इन टू अ वर्सेटाइल फीचर्स ऐप क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट किसान रेल ऑप्शंस आर ए देवीलाल दानापुर किसान रेल बी अनंतपुर आदर्श नगर किसान रेल सी यशवंतपुर अजमेर किसान रेल डी बठिंडा भोपाल किसान रेल एंड ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज ए देवीलाल दानापुर किसान रेल क्वेश्चन नंबर 80 इज विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑप्शंस आर ए उत्तराखंड बी हिमाचल प्रदेश सी अरुणाचल प्रदेश डी सिक्किम एंड ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज ए उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 81 इज विच अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट अ मेजर रिफॉर्म अंडर द न्यूली लॉन्च ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म सो नए लॉन्च किए गए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के तहत इनमें से कौन सी सेवा एक बड़ा सुधार नहीं है ए फेसलेस असेसमेंट बी फेसलेस अपील सी टैक्सपेयर्स चार्टर डी सिंगल विंडो आईटीआर सबमिशन सिस्टम ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज डी सो इसमें सिंगल विंडो आईटीआर सबमिशन सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने ऐप लॉन्च की थी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म 13 अगस्त 2020 को ये प्लेटफॉर्म जो है इसमें तीन मेजर रिफॉर्म आती हैं एक तो फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील एंड टैक्सपेयर चार्टर क्वेश्चन नंबर 82 इज विच नेशन डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ऑन 7th अगस्त 2020 ऑप्शंस आर ए मालदीव बी मॉरिशियस सी इंडोनेशिया डी मलेशिया ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इज बी मॉरिशियस सो इंडियन ओशन आइलैंड मॉरिशियस जो है इट इज डिक्लेयर्ड आ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर द जापानीज ओन शिप
रेन अ ग्राउंड ऑफशोर डेज अगो बिगेन द स्पिलिंग टन्स ऑफ द फ्यूल। तो उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 इज जगदलपुर हैज बिकम इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड द फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट टू द पीपल ऑफ अर्बन एरियाज। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन आर ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 84 इज यूएसए ब्रोकर्ड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड विच नेशन ऑन अगस्त 13, 2020। ऑप्शन आर ए सऊदी अरेबिया, बी कतर, सी यूएई, डी बहरेन एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी यूएई। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक हिस्टोरिक पीस डील जो है वो अनाउंस की थी बिटवीन इजराइल एंड यूएई, अंडर विच जिसमें इजराइल जो है उसने एग्री किया था कि वो सस्पेंड कर देंगे अपने प्लान टू एनेक्स द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 85 विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। ऑप्शन आर ए लद्दाख, बी गोवा, सी कर्नाटका, डी असम, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 86 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ए बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुआ, बी ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सी बिहार सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर, डी गन फैक्ट्री दरभंगा एंड डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। तो डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है बिकॉज गन फैक्ट्री कहां पर है, मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ए बिहार पेपर इंडस्ट्री दरभंगा, बी सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर, सी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा, डी प्लाईवुड इंडस्ट्री बेतिया एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो प्लाईवुड इंडस्ट्री इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो है हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बिहार इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी 2016। तो करेक्ट बताना है। A. All unit established under the policy will be given 50% reimbursement on stamp duty on industrial land. B. 60% reimbursement of the land convertibility fees for transferring the agricultural land into industrial land. And options are A. 1 only, B. 2 only, C. Both 1 and 2, D. Neither 1 nor 2 and E. None of the above. So try to attempt this question. सो आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसमें इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पर 100% रीइंबर्समेंट आएगा। तो यहाँ पर 50% और 60% दिया ना, फर्स्ट में 50 की जगह क्या आ जाएगा 100% और सेकंड में भी 60 की जगह 100% रीइंबर्समेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 इज व्हाट परसेंटेज इंटरेस्ट सब्सिडी इज एडमिसिबल टू माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016। ऑप्शंस आर ए 5%, बी 8%, सी 12%, डी 20%, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी, दैट इज 12%। क्वेश्चन नंबर 90 इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्फर्ट द कृषि कर्मन अवार्ड टू बिहार स्टेट ऑन 2 जनवरी 2020। दिस अवार्ड वॉज गिवन फॉर विच फील्ड। ए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड वीट, बी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सी प्रोडक्शन ऑफ राइस, डी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। सो इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड वीट। क्वेश्चन नंबर 91 विच फाइनेंस कमीशन हैज यूज्ड द फॉरेस्ट कवर एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। सो किस वित्त आयोग ने भारत में संसाधनों के क्षेत्रीय वितरण के मानदंड के रूप में वन आवरण का उपयोग किया है। ए 10th फाइनेंस कमीशन, बी 12th फाइनेंस कमीशन, सी 13th फाइनेंस कमीशन एंड डी 14th फाइनेंस कमीशन, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी 14th फाइनेंस कमीशन। सो 14th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में
का द इकोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड देर इज नीड टू सपोर्ट स्टेट इन द शोल्डरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एनवायरमेंट। और ये डिसाइड किया गया था टू कंसिडर द एरिया विच आर कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 92, हु हैज डिस्क्राइब्ड एग्रीकल्चर एज द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ बिहार। कृषि को बिहार की प्रमुख क्षमता किसने बताया है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रणब मुखर्जी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी एम एस स्वामीनाथन, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 93, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। तो बिहार के किस जिले ने गन्ने की उच्चतम उत्पादकता को दर्ज किया है? ए वेस्ट चंपारण, बी नालंदा, सी बक्सर, डी वैशाली, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 94, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द बिहार इज ए 1009 mm, बी 1506 mm, एंड सी 678 mm, एंड डी 999 mm, एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ई। ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, बिकॉज बिहार में जो है 1027.6 mm रेनफॉल होती है नॉर्मल मॉनसून ईयर में एज पर द IMD एनुअल रेनफॉल रिपोर्ट। एंड इवन ऑल सीजन जो होते हैं उसमें कितनी होती है? 1205.6 mm। क्वेश्चन नंबर 95, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द मेज कल्टीवेशन। ऑप्शंस आर ए समस्तीपुर, बी ईस्ट चंपारण, सी बेगूसराय, डी खगड़िया, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 96 इज, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द व्हीट कल्टीवेशन। ऑप्शंस आर ए रोहतास, बी ईस्ट चंपारण, सी किशनगंज, डी सिवान, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए रोहतास। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया। तो बिहार में किस जिले में शुद्ध बुवाई क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए सिवान, बी गोपालगंज, सी बक्सर, डी भोजपुर, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी बक्सर। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज लीडर इन टर्म्स ऑफ पल्सिस प्रोडक्शन। ऑप्शंस आर ए पटना, बी औरंगाबाद, सी नालंदा, डी रोहतास, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए पटना। क्वेश्चन नंबर 99 इज, द मेन सीरियल क्रॉप्स ऑफ बिहार आर ए ग्राउंडनट कॉफी व्हीट, बी शुगर केन टी बार्ले, सी राइस व्हीट मेज, डी टी ग्राउंडनट कॉफी, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी राइस व्हीट एंड मेज जो है वो मेन सीरियल क्रॉप है बिहार की। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज, क्वेश्चन नंबर 100, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम निर्विक इन द बजट फॉर 2020-21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चर सेक्टर, बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, सी हेल्थ सेक्टर, डी एक्सपोर्ट सेक्टर, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, दैट इज एक्सपोर्ट सेक्टर। सो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ECGC, इसने इंट्रोड्यूस किया था एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम विच इज कॉल्ड एज निर्विक। इसमें क्या किया गया है, एनहेंस करने के लिए लोन अवेलेबिलिटी और द ईज ऑफ लैंडिंग प्रोसेस के लिए स्कीम आया है। और ये आल्सो कवर करता है इंश्योरेंस कवर विच इज गारंटेड कवर अप टू 90% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये आपको परसेंटेज याद रखना है। और ये इंक्लूड करता है बोथ प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट्स। So friends, this is all about today's super series. Now I will provide you day after tomorrow
न्यू सीरीज दैट इज सीरीज 6, उसमें मैं आपको पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और बिहार का जितने भी बजट से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब वहाँ कवर हो जाएंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको कल का दिन मैं इसलिए दे रही हूँ, आपको जो पहले मैंने अभी ये सीरीज प्रोवाइड कर दी है इसको अच्छे से सुनिए, सारे डाटा को आप नोट कर लीजिए और रिवाइज करिए वीडियो को बार बार, बिकॉज सारा सिलेबस मैंने आपका यहाँ पर कवर कर दिया है, करंट अफेयर्स भी कवर कर दिया, जो रह गया वो भी अब कवर कर दूंगी आने वाली वीडियोस में। तो आप इसको रिवाइज करिए पूरा ध्यान से अच्छे से और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज आने वाली वीडियोज में मैं UPSC, BPSC एंड अदर स्टेट PCS और CDPO एग्जाम्स रिलेटेड भी वीडियोज प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।